नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज से मैं करेंट अफेयर्स का सेक्शन शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करेंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज 16 अगस्त का करेंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे और इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है। देखिए दोस्तों, ये योजना लागू करने की घोषणा की है असम गवर्नमेंट ने। कौन किया है? असम गवर्नमेंट। तो इसे ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। और इसे डिटेल्स में देख लेते हैं हम आगे कि इसमें क्या क्या खास बातें हैं। तो देखिए, इसमें लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से असम सरकार राज्य में 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। असम में यह सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना होगी। इस योजना से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 15 से 17 हज़ार परिवारों को लाभ पहुँचेगा। अरुणोदय योजना के लिए असम सरकार 210 करोड़ रुपए प्रति महीने खर्च करेगी। तो आपने देख लिया इसके बारे में डिटेल्स में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। आप इसके बारे में जानते होंगे जरूर दोस्तों कि पहली बार किसी देश ने कोरोना की वैक्सीन को मंजूरी दिया है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, चीन, रूस, जापान, एक और ऑप्शन है भारत। तो इसमें आंसर होगा रूस, आंसर होगा इसमें रूस। आगे इसके डिटेल्स देख लेते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को का कहना है कि पहले चरण में वैक्सीन स्वास्थ्यकर्मियों और उसके बाद शिक्षकों को लगाई जाएगी। रूस की कंपनी, ये जरूर याद रखिएगा, रूस की जो कंपनी है सिस्टेमा ने इसका उत्पादन शुरू कर दिया है। सरकार की योजना है कि अक्टूबर में वैक्सीन को पूरे रूस में बड़े पैमाने पर लॉन्च कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक ट्रेसिंग ऐप भी तैयार किया जा रहा है जो लोगों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखेगा, और इस ऐप से उन लोगों पर भी नज़र रखी जाएगी जिन्हें ये वैक्सीन लग गई है। तो इसे ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 3 नंबर देखेंगे कि भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में HAL, हाल बोलते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है इसका मतलब, HAL द्वारा निर्मित कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है। देखिए दोस्तों, कॉम्बैट का मतलब होता है करतब दिखाने वाले जो हेलीकॉप्टर होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन दिया गया है 7, 2, 4 और 5। देखिए दोस्तों, इसमें 2 हेलीकॉप्टरों को तैयार किया गया है, ये ध्यान रखना है। और हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। आगे देखेंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में कहा है कि वायुसेना के मिशन में सहयोग के लिए कम समय के नोटिस पर उसके द्वारा निर्मित 2 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर कहाँ पर ले के ऊँचाई वाले स्थान पर तैनात किए गए हैं। सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन सा है? HAL द्वारा बनाया गया है, जो 2 इंजन है इसमें, और यह दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है। यह HAL द्वारा विकसित किया गया था, तो इसे ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है कि अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना गया है। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं, एक महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना गया है। तो इसमें नाम देख लीजिए, कमला हैरिस, दीपा अम्बेकर, अमेरिकार्चना राव है, मेघा राज है। तो देखिए, इसमें से जिनको चुना गया है उनका नाम है कमला हैरिस, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, कमला हैरिस नाम है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं डिटेल्स में। अमेरिका में इस साल नवंबर माह में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं। कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। कमला हैरिस 2 बार कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल रह चुकी है। कमला हैरिस ऑकलैंड में पली बड़ी हैं, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री ली है।
इसके बाद कमला ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है। वे साल 2003 में सैन फ्रांसिस्को की जिला वकील बनी थी। हैरिस ने साल 2017 में कैलिफोर्निया से संयुक्त राज्य सीनेटर के रूप में शपथ ली थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, पाँच नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है। मानसून से या बाढ़ जितने भी देख रहे हैं आप, इससे लोग जितने भी प्रभावित होते हैं उससे एक संगठन सहायता देने की घोषणा की है। तो देखिए, इसमें संगठन का नाम है, पहला विश्व बैंक है, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र, और तीसरा है ADB, और चौथा है WHO। देखिए दोस्तों, इसमें है संयुक्त राष्ट्र, इसे ध्यान रखना है। इसे डिटेल्स में देख लेते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र भारत में सबसे वंचित और प्रभावित समुदायों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस, ये ध्यान में रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है अभी, एंटोनियो गुटेरस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एशिया में बाढ़ की स्थिति के बारे में कहा कि बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों का सबसे भयंकर एवं सबसे लंबा मानसून आया और एक चौथाई देश बाढ़ से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है छः नंबर देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि जो छत्तीसगढ़ हमारा राज्य है, आप ऑप्शन देख लीजिए, बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तो ये जो अधिकार पत्र दिया जा रहा है ये कौन से राज्य में दिया जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से, तो इसे ध्यान रखना है। डिटेल्स में देख ले रहे हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जहां शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रदान किया गया है। इसकी शुरुआत जगदलपुर से की गई है जहां नगर निगम ने 11 आदिवासियों को वन भूमि के अधिकार पत्र प्रदान कर दिए हैं। जगदलपुर के देश के गिने चुने नगर निगमों में शामिल है जिसकी सीमा में आज भी छोटे और बड़े जंगल क्षेत्र हैं। मुख्यमंत्री बघेल की विशेष पहल पर वन अधिकार अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्र के निवासियों को भी वन अधिकार पत्र देने की शुरुआत की गई है, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं सात नंबर है कि हाल ही में किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर आप समझ ही रहे होंगे, इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आठ नंबर। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चियुता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है। तो इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। देखिए दोस्तों, ये YSR जो शुरू किया गया है, ये स्कीम शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा, जगमोहन रेड्डी वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा शुरू किया गया है। इसे हम डिटेल्स में देखते हैं तो देखेंगे कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी ने राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है। मुख्यमंत्री रेड्डी ने YSR चियुता स्कीम 2020 के नाम से एक नई स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 45 से 60 साल की उम्र की करीब 23 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। राज्य की SC ST और OBC और अल्पसंख्यक समुदाय ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को हर साल 18,750 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। इस स्कीम के जरिए महिलाओं को बैंक से 75,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व अंगदान दिवस जो कि अभी हाल ही में मनाया गया है, विश्व अंगदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें डेट दिया है 10 जनवरी, 12 जनवरी, 20 अप्रैल और 13 अगस्त। तो हाल ही में ये मनाया गया है 13 अगस्त को, इसे ध्यान रखिएगा, तो इम्पोर्टेंट है ये, इसे डिटेल्स में देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। अंगदान और प्रत्यारोपण मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत आता है, जो फरवरी 1995 से लागू किया गया था। आगे देखते हैं, लास्ट प्रश्न है
दसवां प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? देखिए दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन अकादमी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, शिक्षा मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, जल शक्ति मंत्रालय। इसे डिटेल्स में देख लेते हैं क्योंकि डिटेल्स भी जानना जरूरी है। अब देखेंगे इसे, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नाम जरूर याद रखिएगा, पूछ सकता है कि केंद्रीय जल मंत्री कौन है। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया है। एसबीएम एकेडमी को मौजूदा सप्ताह भर के व्यवहार परिवर्तन अधिनियम गंदगी मुक्त भारत के दौरान लॉन्च किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी फोन आधारित एक अकादमी है और यह 60 मिनट का एक मॉड्यूल ऑफर करती है, तो इसे ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक था हमारा आज का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।